चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक हैं। और यार, फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स सब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसके अंदर PYQ भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग कह सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से कोर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने UKSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट क्रैश कोर्स को यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर कंप्लीट जो सिलेबस है उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं, जिसके अंदर 110 से अब आपको वीडियोज़ मिलेंगी और सभी की PDFs भी आपको साथ मिल जाती हैं। सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, और सभी न्यूमेरिकल पार्ट प्लस थ्योरी पार्ट कवर किया गया है, और PDFs को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीस काफ़ी इसके अंदर रीज़नेबल है, तो आप व्हाट्सएप नंबर 8394948137 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं, और आपकी तैयारी इससे बूस्ट हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर होने वाला है, विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। देखिए, यहाँ पर बात की जाती है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की। तो ये जो कंपटीशन एक्ट था वो किसी एक एक्ट को रिप्लेस करके यहाँ पे लाया गया था। इससे पहले जो ये सारे कंपटीशन एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं वो किसी और के अंदर थे, कोई और एक्ट इसको यहाँ पे देख रहा था। तो इसको हम लोग किस एक्ट को इसने रिप्लेस किया है, ये चीज़ आपको बताना है। फेरा, फेमा, MRTP या POTA। तो आपको पता है कि जब हम लोग बात करते हैं, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। पहले बेसिकली फेरा था, फेरा जो एक्ट था वो काफ़ी आप लोग कह सकते हैं एक तरीके का, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, इसके अंदर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो इसीलिए फेरा की जगह पर फेमा को लाया गया था, राइट। लेकिन जो ये एक्ट है आपका कंपटीशन एक्ट 2002, इसने MRTP यानी कि इसको मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इसका फुल फॉर्म होता है, इसको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट 2002 को यहाँ पे लाया गया था। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, MRTP। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पर देखिए, एक सेक्शन आपको दिया गया है, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद करना। इसको ये किस चीज़ से डील करता है, मेमोरेंडम से या प्रोस्पेक्टस से, आर्टिकल या इनकॉर्पोरेशन से। देखिए, आप सबको पता है जब भी कोई कंपनी अपने CS को इश्यू करती है, राइट, अपने CS को पब्लिक को बेसिकली ऑफर करने का काम करती है, तो एक चीज़ को इश्यू करती है जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है, बेसिकली सारी की सारी डिटेल होती है इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें कंपनी से रिलेटेड हैं, कंपनी के कितनी एनुअल जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसी यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं, कितने CS इश्यू किए गए हैं, प्राइस उनका क्या रहने वाला है, कितना पैसा एप्लीकेशन पे चाहिए, कितना अलॉटमेंट पे चाहिए, ये सारा डिटेल इसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है। और प्रोस्पेक्टस, जैसा कि आप सब कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, उसी से आपको कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये आपका होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 के अंदर डिफाइन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, रिस्ट्रिक्टिंग कॉम्पिटिशन इज। रिस्ट्रिक्टिंग कॉम्पिटिशन क्या है? जब हम लोग कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो एक फेयर कॉम्पिटिशन जब होता है तो कंज्यूमर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसके अंदर होता है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में ए है, एक किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सेल कर रहा है ए, और इसके पास क्या है, मोनोपोली है। हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि इसके पास क्या है, मोनोपोली है। तो मोनोपोली के अंदर होता क्या है, सारे के सारे राइट जो हैं ए के पास हैं, प्राइस को चार्ज करने का राइट, और यू नो प्राइस डिफरेंशिएशन का राइट, इसके अलावा कमोडिटीज़ के डिफरेंशिएशन, इसके सब सब्सिट्यूट है वो हमारे पास नहीं है। हम लोग के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, हमको अगर परचेज करने का है तो हमको ए के पास ही जाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं ABC, हमारे पास में तीन सेलर हैं, तो तीनों सेलर के पास हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, हम लोग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास में चॉइसेस हैं कि हम या तो ए से खरीदें, या बी से खरीदें, या सी से खरीदें। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है इस ऑप्शन में, यहाँ पे हमारे पास में चॉइस है। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्टिंग कॉम्पिटिशन को रिस्ट्रिक्ट करना एक तरह का क्या है, हमारे कानूनी ये जुर्म होता है। रिस्ट्रिक्टिंग कॉम्पिटिशन हमारा होता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के केस में। तो इसकी ये क्या है, हमारा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है,
अंडर विच टाइप ऑफ द एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब आपसे बोला गया है रॉयल्टी की जब बात की जाती है तो रॉयल्टी अलग अलग तरीके से पे की जाती है। रॉयल्टी अकाउंट में हमने पढ़ा भी था कि किस तरीके से रॉयल्टी की कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से पे की जाती है रॉयल्टी, और रॉयल्टी होती क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जो चीज़ निकलती है उसको हम लोग बेसिकली सेल करते हैं। सेल करने का मतलब नहीं, हम लोग क्या करते हैं किसी और को उसका राइट देते हैं यूज करने का, चाहे वो आपने बुक लिखी, चाहे आपने कोई इन्वेंशन किया, तो उसको आप क्या करते हैं किसी थर्ड पर्सन को आप राइट देते हैं उसको यूज करने का, और उस यूज़ के बदले में, उस राइट के बदले में आप कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। क्लियर? तो ये रॉयल्टी हमारा जो एग्रीमेंट होता है सेल के बेसिस पे किस में होता है, माइनिंग के अंदर, पेटेंट के अंदर, कॉपीराइट या लाइसेंसिंग के अंदर। तो सीधी सी बात है, जब हम लोग कॉपीराइट की बात करते हैं तो कॉपीराइट जितने कमोडिटी, जितने यूनिट आपकी सेल होगी उसके बेसिस पे यहाँ पे रॉयल्टी चार्ज की जाती है अंडर कॉपीराइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अंडर कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ द रॉयल्टी इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहाँ पे बोला गया है कॉपीराइट एग्रीमेंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है वो किस बेसिस पे कंप्यूट की जाती है, नंबर ऑफ द बुक्स पब्लिश्ड, नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स पब्लिश्ड या टोटल सेल प्राइस ऑफ द बुक्स सोल्ड। तो सीधी सी बात है, जब हम लोग बात कर रहे हैं अपने कॉपीराइट एग्रीमेंट की, तो जितने यूनिट आपकी सेल होगी उसका टोटल जितना होगा उसके बेसिस पे आप रॉयल्टी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपको दिया गया है टोटल सेल प्राइस ऑफ द बुक्स सोल्ड, जितना भी आपके बुक बेची गई उसका जितना सेल प्राइस था, टोटल सेल प्राइस था, उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द जीएसटी। जीएसटी के आने से कौन से टैक्स को हटा दिया गया, कौन से टैक्स को रिप्लेस किया जीएसटी ने। तो इसके अंदर अलग अलग टैक्सेस हमारे पास, सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है या वेल्थ टैक्स है। जब हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स अभी भी चार्ज किया जाता है और इसको चार्ज करने का जो राइट है वो है सीबीडीटी के पास में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर यहाँ पे काम करती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, तो ये आपके कंपनी से रिलेटेड टैक्स होता है, ठीक है, कंपनी पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसको कॉरपोरेशन टैक्स हम कहते हैं। और वेल्थ टैक्स बेसिकली क्या होता है, वेल्थ पे लगता है बेसिकली, हमारे रुपए पैसों पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग वेल्थ टैक्स कहते हैं। लेकिन जो सर्विस टैक्स है वो अब चार्ज नहीं किया जाता है, सर्विस टैक्स को जीएसटी ने यहाँ पर रिप्लेस किया है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, Which of the following is an indirect tax in India? यानी कि यहाँ पे बोला गया है इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स। जब हम लोग बात करते हैं टैक्सेस की, तो हमारे पास दो तरह का बाइफरकेशन इसके अंदर होता है, एक तो हमारे पास में होती है डायरेक्ट टैक्स और एक हमारे पास में होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली जो उस चीज़ को अर्न कर रहा है, जो उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को अर्न कर रहा है उस पर चार्ज किया जाता है, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके अंदर जबकि हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पेमेंट कोई और करता है लेकिन टैक्स का बेसिकली बर्डन हो किसी और पे होता है। जैसे हम लोग बात करें डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के अंदर पेमेंट भी हम करते हैं, बर्डन भी हम लोगों का होता है। जबकि हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो अगर जीएसटी की बात इसके अंदर की जाए तो इसके अंदर बर्डन तो किस पे पड़ता है, जो लास्ट कंज्यूमर होता है उस पे पड़ता है, लेकिन इसका पेमेंट कौन करता है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इसका पेमेंट करते हैं। जैसे कोई होटल्स में, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो वहाँ पे पेमेंट कौन करता है जीएसटी की, हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोगों ने कंज्यूम किया है, हम लोगों ने फूड कंज्यूम किया तो हम लोग उसकी पेमेंट करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट को पे करने का जो टाइम होता है उस टाइम पे कौन पे करेगा, वो रेस्टोरेंट करेगा या कंसर्न आपका जो हम कह सकते हैं होटल्स करेंगे, वो यहाँ पे करते हैं। तो इसके अंदर बर्डन कहीं और होता है, पे कोई और करता है, तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो आपसे बोला गया है फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही आपका इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे होता है जीएसटी की जो बात की जाती है। बाकी के जो टैक्स हैं, कॉरपोरेशन टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है और कैपिटल गेन टैक्स भी आपका डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर टैक्स्ड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। आपसे बोला गया है इसमें से कौन से ऐसे गुड्स हैं जो जीएसटी के दायरे के अंदर आती हैं। पहला सीएनजी है, लिकर है, पेट्रोल है या गोल्ड ज्वेलरी है। इसके अंदर दो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कोर्स के अंदर, एक तो ऐसे कि आपके जो जीएसटी के दायरे में आते हैं,
एक वो कि जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी और होती है जिसको हम लोगों ने समझा था कि लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि अम्बिट से बाहर है, बेसिकली जो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, उसको ये लिकर वाला फॉर्म है। अब ये कमर्शियल यूज के लिए नहीं, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर यूज किया जाता है, इसको जीएसटी के अम्बिट से बाहर रखा गया है। जबकि हम लोग बात करते हैं सीएनजी और पेट्रोल की, तो ये फिलहाल के लिए इन पे अभी जीएसटी चार्ज नहीं किया गया है, बट कभी भी ये जीएसटी के दायरे में आ सकती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। बट यहाँ पे जब हम गोल्ड ज्वेलरी आपको गिवन है, तो गोल्ड ज्वेलरी पे अभी भी टैक्स चार्ज किया जाता है, जीएसटी चार्ज किया जाता है। और जो गोल्ड ज्वेलरी है उस पे जीएसटी का जो रेट होता है वो अभी चार्ज किया जाता है 3% के हिसाब से। ठीक है, जो इसका पुराना रेट था वो था 5%, लेकिन अभी ये जो जीएसटी चार्ज किया जाता है गोल्ड ज्वेलरीज पे, वो यहाँ पे 3% है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर बन जाएगा। बाकी की जो सीएनजी, लिकर और पेट्रोल है, ये फिलहाल के लिए अभी जीएसटी से बाहर रखे गई हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर, जब हम लोग गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक टर्म आती है जिसको अनपेड सेलर कहा जाता है। अनपेड सेलर का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो अनपेड है, एक सेलर है। अनपेड का मतलब सीधी सी बात समझने वाली है कि हम लोगों ने कोई सामान खरीदा और उसका पेमेंट नहीं किया, या हम अगर सेलर हैं तो हमसे किसी ने कुछ खरीदा और उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो अनपेड हो गया। सेलर का मतलब जो सामान बेच रहा है। तो ऑप्शन में आपको अलग अलग चीज़ें गिवन है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे, द पर्सन हु हैज़ सोल्ड द गुड्स एंड हैज़ नॉट येट रिसीव्ड द प्राइस, यानी कि जिसने गुड्स को सेल कर लिया, गुड्स की सेलिंग जिसने कर ली, बट उसको अभी तक उसका रीजनेबल, उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे नहीं मिल पाया है, उसको हम लोग कहते हैं अनपेड सेलर। तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है, जो कि आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज गुड्स। अब आपसे बोला गया है कि इसके अंदर कौन से ऐसे दो आइटम हैं जो आपकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एज ए गुड डिफाइन की गई हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है ग्रोइंग क्रॉप्स, तीसरा एक्सनेबल क्लेम या बुक डेट। जब हम लोग बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, तो इसके अंदर सारे की सारी चीज़ें एज ए गुड नहीं डिफाइन की गई, इसके अंदर कुछ आपकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका गुड्स की डेफिनेशन में आता है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका गुड्स की डेफिनेशन में आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी और ग्रोइंग क्रॉप्स, ये दोनों आपके गुड्स के डेफिनेशन में आती है, वेर एज एक्सनेबल क्लेम आपके गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता, बुक डेट भी आपका इसके अंदर गुड की डेफिनेशन में नहीं आता है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर। तो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड बी विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। इसमें से आपको बोला है एक अलग ऑप्शन, यानी कि ऑड ऑप्शन आपको देखना है कौन सा होगा, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स या असर्टेन गुड्स। देखिए जब हम गुड्स की बाइफरकेशन करते हैं तो अलग अलग तरीके से हम गुड्स को डिफाइन करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के गुड्स होते हैं, कुछ अनअसर्टेन गुड्स होते हैं, कुछ फ्यूचर गुड्स होते हैं, कुछ असर्टेन गुड्स होते हैं। तो जब हम इसकी बाइफरकेशन देखते हैं, तो स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपने स्पेशली स्पेसिफाई की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक सेब लेनी है, सेब की पेटी आपको लेनी है, तो बहुत गोदाम में आपने सेलेक्ट किया कि इस पेटी को, जिसके नंबर डाला है फॉर एग्जांपल ए, तो इस पेटी को मुझे लेना है, तो ये स्पेसिफिक कर दिया आपने कि इसी चीज़ को मेरे को लेना है। मतलब दूसरी सेब तो बहुत सारी रखे, एप्पल बहुत सारी पेटियों में रखा हुआ है, बट एक पेटी आपको लेनी है, ये आपने स्पेसिफिक कर दिया है, तो ये गुड्स भी आपका स्पेसिफिक हो गया। अनअसर्टेन गुड्स वो होते हैं, बहुत सारे गोदाम के अंदर आपका सामान पड़ा हुआ है, उसमें से आपने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलरली एक पेटी लेनी है, कोई भी मैं उठा लूँगा इसके अंदर, तो ये हो गया आपके पास में अनअसर्टेन। इसके अंदर आपको बेसिकली प्रोडक्ट आपके पास में एग्जिस्टेंस में है, बट आपने स्पेशली अलग नहीं किया हुआ उसको बाकी के प्रोडक्ट से। तीसरा अगर बात करें फ्यूचर गुड्स की, तो ये हम बीच की बात करेंगे, फिलहाल फोर्थ की बात करें तो असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स का मतलब हो गया कि जैसे आपने फ्रूट्स में से सेलेक्ट किया कि मुझे सिर्फ एप्पल लेना है, तो ये हो गया असर्टेन, आपने असर्टेन फिलहाल के लिए किया। अगर आप देखेंगे इन तीनों में सिमिलरिटीज़ देखेंगे, किसके अंदर, स्पेसिफिक गुड्स के केस में और अनअसर्टेन और असर्टेन में, तो इनकी जो एग्जिस्टेंस आपको दिख रही है, यानी कि ये एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, इनकी एग्जिस्टेंस बनी हुई है, इनकी जो हम कह सकते हैं लीगल एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पे है, आपको दिख रहा है, बट जो फ्यूचर गुड्स है इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर में इसकी डिमांड आने वाली है, अभी इसकी प्रोडक्शन नहीं हुई है। दैट्स वाई ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि ये ऑड है, बाकी के सारे ऑप्शन आपके एग्जिस्टेंस में हैं, तो ये आपके अलग सा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ ब्रीच डैश ब्रीच। आपसे बोला गया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है,
ऑप्शन नंबर वन है एक्चुअल एंटिसिपेटरी बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। जब भी हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बना था वो उसको ख़त्म कर देना, यानी कि तोड़ देना, सेपरेट कर देना, उसको हम लोग ब्रीच बोलते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है, एंटिसिपेटरी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कंसिडरेशन कैन सिंपली बी एक्सप्लेन्ड एज। अब देखिए कंसिडरेशन की जब बात की जाती है तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम दो बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जब परचेस करता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसको पे करता है फॉर देयर एसेट्स एंड ऑल, तो उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे आपने दुकान से कोई सामान खरीदा तो सामान के बदले में कुछ ना कुछ आप उसको पे करते हैं दुकानदार को, तो उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। आपको सामान मिला, आपने उसके बदले में कुछ मनी उसको पे किया, उसको कंसिडरेशन यहाँ पे कहते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। तो कंसिडरेशन को किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रॉफिट कह सकते हैं, इनकम कह सकते हैं, या बेनिफिट या एक्सेप्टेंस, तो ये होता है एक तरह का बेनिफिट, विच इज गिवन है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हम लोग अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो होता है कि पर्टिकुलरली अगर हम एक प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं उससे अबव प्राइस अगर हमको मिल गया तो दैट्स प्रॉफिट। इनकम की अगर बात करें, पर्टिकुलर किसी सोर्स से हम लोगों को अगर कुछ जनरेट होता है, कुछ हमें यहाँ पर रेवेन्यू होता है, तो उसको इनकम कहते हैं। एक्सेप्टेंस तो हमारी किस्म आती है जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सामने हम क्या करते हैं, एक तरीके का एग्रीमेंट करते हैं, हम लोग प्रपोजल देते हैं, फिर एग्रीमेंट होता है सारी चीज़ें, तो उसमें एक्सेप्टेंस आती है या रिजेक्शन होता है। तो लेकिन यहाँ पे बेनिफिट होगा कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द एजेंट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग एजेंसी पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके अंदर देखा क्या जाता है बेसिकली कि हम लोग बात करते हैं, एक तो आपके पास में एजेंट होता है, एक आपके पास में कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, यानी कि जो पर्टिकुलरली लायबिलिटी होती है वो तो किसकी होगी, काम को करने की, आपकी, प्रिंसिपल की। बट प्रिंसिपल किसी एक पर्सन को हायर करता है, दैट कुड बी एजेंट। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल आपका सही आंसर बनेगा। प्रिंसिपल में भी दो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ये वाला प्रिंसिपल आपका नहीं बनेगा, ये वाला प्रिंसिपल आपका होगा, तो इसमें डाउट हो सकता है आपको। सो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, डैश गुड्स आर दी पार्ट ऑफ फ्यूचर गुड्स। अब जब हमने अलग अलग टाइप के गुड्स यहाँ पे देख लिए, तो फ्यूचर गुड्स किस तरह का होता है, मतलब कौन सी ऐसी गुड्स है जो फ्यूचर गुड्स का पार्ट होता है। असर्टेन गुड्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि असर्टेन गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जिनको आपने बेसिकली स्पेसिफाई कर दिया है। अनअसर्टेन गुड्स वो गुड्स हैं जो आपने पूरे के पूरे एक बंडल में अभी तक देखा नहीं, बट आपको लेना है। जैसे आपने कहा कि मुझे फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स आपके बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो कौन सा फ्रूट आपको लेना है वो आपने अभी तक असर्टेन नहीं किया है, बट अभी आप उसकी एग्जिस्टेंस देख रहे हैं। तीसरा एग्जिस्टिंग गुड भी, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी प्रेजेंट है, तो वो गुड भी इसी के अंदर आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्टीजेंट की, तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में भी आपको समझाया था मैंने, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, किसी इवेंट की हैपनिंग पे जो लाइबिलिटी अराइज होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो उसी तरीके से अगर हम कॉन्टीजेंट गुड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर एक इवेंट होगा तो वो चीज़ दूसरी होगी उसके साथ में एसोसिएटेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर इस साल बारिश अच्छी होती है तो मेरी जो फसल होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, अगर बारिश ना हो पाई इन केस तो वो फसल अच्छी नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं फसल जो आपकी है, जो क्रॉप है आपकी, अच्छी होने या ना होने पे बारिश पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंट, राइट। तो ये आपके फ्यूचर गुड्स हैं क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस अभी है ही नहीं, ये तो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि बारिश हुई तो आपके प्रोडक्ट अच्छा हुआ नहीं हुआ, वो फ्यूचर में आपको दिखेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल पार्टीज मेक सर्टेन स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड एज। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट बनाई जाती हैं पार्टीज के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलते हैं, प्रोमिसेस बोलते हैं, या स्टेपुलेशंस बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है स्टेपुलेशन, स्टिपुलेशन से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्वालिटी ऑफ द गुड्स इंक्लूड। अगर हम लोग इसके अंदर क्वालिटी की बात करते हैं, गुड्स की क्वालिटी की, तो दो चीज़ें इसके अंदर आएंगी, पहला आएगा स्टेट ऑफ गुड्स, दूसरा आएगा कंडीशन ऑफ द गुड्स। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दोनों गिवन है, बोथ ए एंड बी, तो ये सही आंसर आपका बनता है, क्योंकि हमको गुड्स की कंडीशन भी देखनी जरूरी होती है जब भी हम गुड्स की क्वालिटी की बात करेंगे, और उसका स्टेट भी हमको देखना होता है कि वो अवेलेबल है
या नहीं अवेलेबल है, फ्यूचर के केस में है, असर्टेन है, असर्टेन है, जो भी है हम उसकी स्टेट मतलब उसकी पोजीशन को हम देखेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।